हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू, व्हाट्स अप? सो अगर आपने मेरे पहले का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम लंदन से अराउंड 2 आवर दूर रहते हैं और वहाँ पे इंडियन ग्रोसरी स्टोर नहीं है। तो हम आज जा रहे हैं इंडियन ग्रोसरी स्टोर, वो भी लंदन में। तो और हम अराउंड 1 महीने से हम दाल चावल या जो भी बीन्स वगैरह है और आलू की सब्जी, जो भी नॉर्मल बेसिक सब्जी रहती है, उसी से काम चला रहे थे क्योंकि हस्बैंड काम पे थे। तो आज हमको छुट्टी मिली है और आज हम जा रहे हैं लंदन में इंडियन ग्रोसरी स्टोर, जहाँ से हम लेंगे भिंडी और दूध, लौकी और ऐसी कुछ सारी सब्जी जो यहाँ पे सब नहीं मिलती है। सो या और तो आज मैं ड्राइव कर रही हूँ, हस्बैंड बैठे हैं मेरे बाजू में और मम्मी बैठी है पीछे। सो या लेट्स कम विद अस। उसका नाम है क्वालिटी फूड। यहाँ पे इंडियन ग्रोसरी सब, मतलब सब मिल जाती है, फ्रूट, वेजिटेबल्स और सारे मसाला, आटा, तेल सब। सो या आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे बास्केट ले, ट्रॉली लेने के लिए कॉइन चाहिए। कॉइन को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं और ये लॉक खुल जाता है और हम चले अंदर। यहाँ पे गन्ने का रस भी मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, शुगर कैन जूस, स्मॉल ग्लास है 2 पाउंड, लार्ज ग्लास है 4 पाउंड। और यहाँ पे मैंगोज भी है, केसर केरी, तो ये है 12 आम और इसकी प्राइस है 18 पाउंड। दिख तो बहुत ही अच्छी रही है। सो हम लेंगे अब 2 बॉक्सेस क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पे नींबू का प्राइस है 1 पाउंड में 4 नींबू। सो
यहाँ पे नारियल भी मिलता है, नारियल का प्राइस है 79 एक का, दो नारियल का 1.50, और ये है श्रीलंका के, तो ये श्रीलंका के नारियल है। तो अब मम्मी ले रही है भिंडी, यहाँ पर बहुत अच्छी भिंडी है और हम सबको भिंडी बहुत ही पसंद है, मुझे, मेरे हस्बैंड को, वीरो को और मम्मी को भी। सो या जैसा कि आपको पता है भिंडी अच्छी है उसके लिए ऐसे करके तोड़ते हैं, अगर अच्छे से टूट गई क्रंची से तो ये भिंडी अच्छी है। सो या आप पुट दिस इन अ बैग। सो यहाँ पे मिलती है गुआर एज वेल, गुआर फली आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी छान ली है, छाट ली है, और यहाँ पे टिंडे भी है। सो या मुझे ये भी लेना है, और परवल भी है, तूरिया, और ये बीन्स की सब्जी, और यहाँ पे बैंगन। आप जैसा कि देख सकते हैं ये बैंगन है वो केन्या के है जो अफ्रीका में है, ये भी केन्या के बैंगन है, ये है इंडिया के बैंगन, और ये भी है इंडिया के बैंगन। तो यहाँ पे सब लिखा है, दिस इज़ ऑबर्जिन रोज, ऑबर्जिन रवैया, ऑबर्जिन केन्या, ऑबर्जिन पर्पल, सो डिफरेंट टाइप के बैंगन। तो यहाँ पे दूधी भी है, लौकी, लौकी का प्राइस है, लंबी लौकी का प्राइस है 7 pounds पर केजी, मतलब अराउंड 650 रुपए किलो। और यहाँ पे स्मॉल राउंड लौकी भी है, नहीं ये टिंडा है, सॉरी ये टिंडा है, और ये है राउंड लौकी, और बनाना, और यहाँ पे येलो डेट्स भी है। अभी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता है, बट गुजराती में इसको खारेक बोलते हैं, पीले कलर के खारेक। तो यहाँ पे ड्रमस्टिक भी है, मुझे ड्रमस्टिक की कढ़ी बहुत ही अच्छी लगती है, और ड्रमस्टिक का भाव है 7 pounds पर केजी, सो सेम ही है लौकी के जैसे ही। इसमें छाटनी पड़ती क्योंकि आजकल मैंने सुना है कि इंडिया में लोग ये जो ड्रमस्टिक को सुखा के और उसका पाउडर बना के बहुत ही पी रहे हैं, क्योंकि कुछ तो उसका बेनिफिट है, तो यहाँ पे अभी कम मिल रही है क्योंकि लोग इंडिया में ही खाली करते रहे, तो और यहाँ पे भी महंगी भी हो गई उसी के कारण। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा कि मैं कढ़ी पत्ता है वो फ्रोज़ करती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ही महंगा मिलता है। तो ये इतना सा कढ़ी पत्ता आप प्राइस देख सकते हैं 1 pound 25 का है, और कितने से पत्ते हैं, तो इसीलिए मैं फ्रोज़ करती हूँ। तो बैठ हस्बैंड और मम्मी दोनों आंवला छाट रहे हैं क्योंकि आंवला जैसा कि आपको पता है उसमें विटामिन सी मिलता है और उसमें इम्यूनिटी बढ़ती है, तो दोनों आंवला छाट रहे हैं। तो ये मेथी है, मेथी का प्राइस है 49 एक जूड़ी का, एक बंच का, और यहाँ पे कोरिएंडर भी है बट फिलहाल इतने अच्छे नहीं है तो मैं यहाँ से नहीं ले रही हूँ, घर के पास भी मिलते हैं कोरिएंडर, तो या यहाँ पे मेथी भी मिलती है, कोरिएंडर भी मिलता है, पम्पकिन। यहाँ पे हल्दीराम की सोन पापड़ी भी है, बाय वन गेट वन फ्री, और इसकी प्राइस है 5 pounds। सोन पापड़ी, यहाँ पे हल्दीराम का ड्राई पेठा भी मिलता है, और मैगी। तो यहाँ पे मैगी का प्राइस है 1 pound 20 का 3 packets।
हो गई है और हम जा रहे हैं नेक्स्ट साउथ होल, जहाँ से हमको और सब्जियाँ लेनी है क्योंकि यहाँ पे सारी सब्जियाँ नहीं थी। तो या सो हमारी शॉपिंग फिनिश हो गई है और हम अभी जा रहे हैं हाई स्ट्रीट में कुछ खाने के लिए एंड फिर हम जाएंगे घर। सर होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। और हाँ, शायद आप सोच रहे होंगे कि इसके सनग्लासेस कैसे चेंज हो गए। बाय द वे यहाँ पे इतनी धूप है और वो सनग्लासेस में मुझे बहुत ही धूप लग रही थी मेरे आँखों में, तो इसलिए मैंने ये डार्क वाले पहन लिए। सो या होप यू लाइक दिस वीडियो और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। स्टे ट्यून्ड एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।